हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के डाटा बुलेट्स में आज हम बैटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के तीन बेहतरीन बैट्समैन का हम कंपैरिजन करेंगे जावेद मियादाद सर विव रिचर्ड्स और आलन बॉर्डर का सबसे पहले बात करते हैं इनके द्वारा खेले गए मैचेज और इनिंग्स की जावेद मियादाद ने अपने वनडे करियर में दो मैच खेले हैं और इसमें दो इनिंग्स खेली हैं वहीं सर विव रिचर्ड्स ने एक मैच में एक इनिंग्स खेली हैं और एलन बॉर्डर ने दो मैच में दो इनिंग्स खेली हैं अगर बात की जाए इनके द्वारा बनाए गए रन की तो जावेद मियादाद ने अपने वनडे करियर में सात रन बनाए हैं सर विव रिचर्ड्स ने छह रन बनाए हैं और एलन बॉर्डर ने छह रन बनाए हैं अगर इनकी बैटिंग एवरेज की बात की जाए तो जावेद मियादाद का बैटिंग एवरेज इकतालीस दशमलव चार सात का रहा है वही सर विव रिचर्ड्स का बैटिंग एवरेज सैंतालीस दशमलव शून्य शून्य का रहा है और आलिन बॉर्डर का बैटिंग एवरेज तीस दशमलव छह तीन का रहा है अगर इनके बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो जावेद मियादाद का बैटिंग स्ट्राइक रेट सड़सठ दशमलव शून्य एक का रहा है और सर विव रिचर्ड्स का स्ट्राइक रेट नब्बे दशमलव दो शून्य का रहा है और आलिन बॉर्डर का स्ट्राइक रेट इकहत्तर दशमलव चार तीन का रहा है डक सिंड नॉट आउट की बात करें तो जावेद मियादाद अपने वनडे करियर में आठ बार शून्य पर आउट हुए हैं और चालीस बार नॉट आउट रहे हैं वहीं सर विव रिचर्ड्स सात बार शून्य पर आउट हुए हैं और चौबीस बार नॉट आउट रहे हैं एलन बॉर्डर अपने करियर में ग्यारह बार शून्य पर आउट हुए हैं और उनतालीस बार नॉट आउट रहे हैं हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो जावेद मियादाद का हाईएस्ट स्कोर एक रहा है सर विव रिचर्ड्स का हाईएस्ट स्कोर एक रहा है एलन बॉर्डर का हाईएस्ट स्कोर रहा है एक रन्स। 50 रन और 100 रन की बात करें तो जावेद मियादाद ने 50 बार 50 से ज्यादा और 8 बार 100 से ज्यादा रन बनाए हैं वहीं सर विव रिचर्ड्स ने 45 बार 50 से ज्यादा और 11 बार 100 से ज्यादा रन बनाए हैं एलन बॉर्डर ने अपने वनडे करियर में उनतालीस बार पचास से ज्यादा और तीन बार सौ से ज्यादा रन बनाए हैं चौकों और छक्कों की बात की जाए तो जावेद मियादाद ने अपने वनडे करियर में चार सौ पैंतालीस चौके और चौवालीस छक्के लगाए हैं सर विव रिचर्ड्स ने छह सौ चौके और एक सौ छब्बीस छक्के लगाए हैं और एलन बॉर्डर ने पांच सौ चौके और तैंतालीस छक्के लगाए हैं आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो